आजकल के हेक्टिक लाइफस्टाइल में लगभग बीपी हर किसी का बढ़ा रहता है, और यूजली जो ज्यादा गुस्से वाला पर्सन होता है हम कहते हैं कि ये बीपी वधिया रहता है। सो गुस्सा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन बीपी या हाइपरटेंशन। सो इन एक्चुअल बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, और इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हमारे जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसमें एक ब्लड जो फ्लो करता है वो कुछ एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है, और जब ये प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से बढ़ जाता है ड्यू टू, क्योंकि आपके जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो नैरो हो चुकी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, जिससे कि ब्लड के फ्लो पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो बीपी है वो बढ़ जाता है। आपका जो प्रेशर है, जिस प्रेशर के साथ ब्लड ने वेसल्स में से निकलना था, वो प्रेशर बढ़ गया होता है, तो उसे हम बीपी बोल देते हैं। उसको हम हाइपरटेंशन या हाई बीपी बोल देते हैं। नॉर्मल जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, वो होता है 120/80। तो आपने यूजली देखा है दो तरह की रीडिंग्स होती हैं, वन इज अपर बीपी एंड लोअर बीपी। अपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और लोअर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक में जब आपका हार्ट पंप करता है और आपके पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो वो उस जिस प्रेशर के साथ होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है और वेन्स आपके हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड है वो लेके आती हैं, दैट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो इनका नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यूजली लोग इसे सीरियस नहीं लेते हैं, बल्कि बहुत टोर के साथ बताते हैं कि हमारा तो बीपी यूजली बड़ा रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तब होती है जब हाई बीपी, अनकंट्रोलेबल हाई बीपी, जब आपको कोई कॉम्प्लिकेशन करता है, लाइक आपका हार्ट फेलियर, स्ट्रोक या किडनी फेलियर, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। सो बीपी को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लाइक शुगर, बीपी या थायराइड, कि हम एक पिल लेना उसका सोल्यूशन समझते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी पिल कोई सोल्यूशन नहीं हो सकती है। वो आपकी बॉडी को कई बार हार्मफुल इफेक्ट्स भी देती है। इमरजेंसी के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो आपकी बॉडी को वो एक्टिवनेस नहीं दे पाती है। और वो एक आप और क्या एक ये क्वेश्चन रहता है कि हमें लाइफ टाइम लेना पड़ेगा बीपी का पिल? नहीं, ये अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर अगर वर्क करते हैं तो आपको लाइफ टाइम बीपी का पिल क्यों लेना पड़ेगा? आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए। तो सबसे पहले कॉजेस क्या रहते हैं हाई बीपी के? हाई बीपी के दो तरह का होता है, वन इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी में तो 95% केसेस में प्राइमरी ही होता है, उसमें कॉज आ जाते हैं जेनेटिक, कईयों के पेरेंट्स में होता है, आगे बच्चों को भी हाई बीपी का इशू रहता है, या फिर आपका लाइफस्टाइल कि आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा है, वो आ जाता है, फास्ट फूड का, जिसमें कि फास्ट फूड या सोया सॉसेस वगैरह जिसमें ज़्यादा डली होती है, वो एक रीज़न रहता है आपके हाई बीपी का। या आप बिल्कुल आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल भी आप एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसा वर्क नहीं करते हैं, बिल्कुल लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, और डाइट आपकी बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स है, अल्कोहल आप बहुत लेते हैं, या फिर स्मोकिंग आप फ्रीक्वेंट करते हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हर किसी को लगभग आजकल रहता है, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू रहेगा हाई बीपी का। तो ये एक रहते हैं जो प्राइमरी कॉजेस होते हैं, तो इनको अगर आप रिड्यूस कर देते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल रहना स्टार्ट हो जाता है। सो सेकेंड इज सेकेंडरी, अगर आपको ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, जैसे आपको डायबिटीज है या आपका थायराइड का इशू है, तो आपका कई बार बीपी फ्लक्चुएट करता है, आपको कोई ट्यूमर है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड का कोई ट्यूमर है तो भी आपका बीपी फ्लक्चुएट करेगा, तो ऐसे अगर आपको किडनी का कोई इशू है तो भी कईयों में बीपी का इशू भी साथ में देखा गया है। तो सिम्टम्स में कई बार इसका जो मेन है कि कई बार कोई सिम्टम नहीं होता है, अगर आपका बीपी कई बार 200 से प्लस चला जाता है, जिसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोलते हैं, लेकिन उसमें भी कई पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमें तो कुछ फील नहीं हो रहा इतना अगर बीपी है तो, और ये हमारा रूटीन में रहता है, लेकिन ऐसा रहना भी गलत है। लेकिन कुछ एक सिम्टम्स जैसे हेडेक रहना या चक्कर आना, वॉमिटिंग जैसा मन होना, या फिर कई बार अगर बहुत ज़्यादा बीपी है तो ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाता है, आपके नोज से आपके ईयर से ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो जाता है। सो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन हाई बीपी का रहता है वो है पैरालिसिस। कई बार पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा आपका बीपी है तो, या फिर आपका हार्ट फेलियर हो जाता है, आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि वर्कलोड जो है आपके बीपी के ऊपर बहुत बढ़ जाता है। नाउ कमिंग टू आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेद में हाई बीपी या हाइपरटेंशन को रक्तगत वात बोलते हैं, बिकॉज आयुर्वेद में हम बिलीव करते हैं कि तीन दोष वात, पित्त, कफ और पंच महाभूत जो है वो जब बैलेंस स्टेट में रहते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, जैसे ही इनमें इम्बैलेंसेस होते हैं तो
कोई ना कोई गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी यही काम होता है कि वो आपके बॉडी के ह्यूमर्स को बैलेंस रखती है। सो बीपी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहती है आयुर्वेद में। इसमें सर्पगंधा, ब्राह्मी, अश्वगंधा या फिर अर्जुन, अर्जुन की छाल, अर्जुन का त्वक बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं आपके बॉडी को और आपके हार्ट के मसल्स को भी वो स्ट्रेंथन करते हैं। तो अर्जुन अरेष्ट, नागार्जुन अपरस, परवाल पिष्टि, कीक पिष्टि, ऐसी बहुत सारी मेडिकेशन रहती है जो कि आपके हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है और आपके बीपी को कंट्रोल रखती है। इसके अलावा पंचकर्मा की थेरेपीज रहती है, इसमें रक्त मोक्षण जो कि हम ब्लड लेटिंग करते हैं आफ्टर एवरी 15 डेज, उससे भी आपका बीपी बहुत जल्दी कंट्रोल रहता है। आपको शिरोधारा करवाई जाती है, उससे भी आपके मसल्स रिलैक्स रहते हैं, आपके नर्व्स रिलैक्स रहते हैं और स्ट्रोक की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो कुछ एक होम रेमेडीज आप कर सकते हैं, जैसे कि गार्लिक लहसुन का बहुत अच्छा इफेक्ट है, उसका आप 3-4 क्लॉव्स सुबह खाली पेट ले सकते हैं, दूध के साथ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा एक होम रेमेडी रहता है। और एक्सरसाइज आपको रूटीन में रखना चाहिए, आपका वेट आपको बैलेंस रखना चाहिए, अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं वो आपको क्विट करना चाहिए। तो लाइफस्टाइल अगर आप प्रॉपर रखेंगे, और आपको सोडियम का इंटेक बहुत कम करना है, सॉल्ट आपको 1 चम्मच पूरे दिन में लेना चाहिए, 1 TSF पूरे दिन के लिए होता है सोडियम का जो आपका सॉल्ट रहता है उसका इंटेक, और पोटेशियम रिच चीजें आपको ज्यादा लेनी होती है, और जिससे कि आपके जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क करता रहे। तो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन या हाई बीपी, तो आप प्लीज़ इसको निग्लेक्ट नहीं करें और अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करें, और आयुर्वेदिक मेडिसिन से के साथ आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और आप अपनी पिल भी छोड़ सकते हैं, जो हाइपरटेंशन की या बीपी की आप गोली ले रहे हैं वो छूट सकती है, 100% आप क्योर हो सकते हैं विद आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच।